बहरोड के मांडन क्षेत्र में रविवार की देर शाम को बहरोड के विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव के बेटे मोहित यादव और पूर्व विधायक बलजीत यादव के समर्थकों में झड़प हो गई। मामले की सूचना लगते ही मांडन पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों ही क्षेत्र में कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। जैसे ही मांडन में दोनों की गाड़ियों का आमना सामना हुआ तो बलजीत यादव के चालक ने मोहित यादव की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। दोनों नेताओं के समर्थकों में आपस में मारपीट हो गई। उसके बाद थाने में बीजेपी नेता मोहित यादव पहुंचे। बहरोड के वर्तमान विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव पर बलजीत यादव के विधायक रहने के दौरान अभद्र टिप्पणी और जसवंत सिंह यादव के बेटे पर जानलेवा हमला करवाने की पुरानी रंजिश चली आ रही है। करीब 3 साल पहले बरदोद के बाद बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव ने अपने समर्थकों से मोहित यादव पर जानलेवा हमला करवाया था, लेकिन पूर्व की गहलोत सरकार विधायकों के दबाव में होने के कारण कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन रविवार की शाम को दोनों ही नेताओं के समर्थक आमने सामने हो जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। घटना के दौरान पूर्व विधायक बलजीत यादव और बीजेपी नेता मोहित यादव अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र के दौरे पर थे। दोनों नेताओं के समर्थकों में आमने सामने की लड़ाई का पूरा मामला क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन पूर्व विधायक बलजीत अपनी जान बचाकर हरियाणा की ओर भागने की बात सामने आ रही है। वहीं आपस में मारपीट के दौरान पूर्व विधायक बलजीत यादव के पीएसओ के द्वारा फबाई फायरिंग करने का मामला भी सामने आ रहा है।